जहां हाईटेक उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल करती हूं। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दोस्तों, आज आप सभी के लिए है एक खुशखबरी। अब आप आपका मनपसंद चैनल हाईटेक टीवी देख सकते हैं HTS, RVR डिजिटल, चॉइस नेटवर्क पर। इसके अलावा आप हमारे न्यूज अपडेट्स और प्रोग्राम्स देख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर। लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग हाईटेक टीवी। आने वाले इंतखाब को लेकर मजलिस के सदर बैरिस्टर रसदुद्दीन ओवैसी और दीगर ने मिलकर आसिफ नगर और दीगर इलाकों का किया पैदल दौरा। TRS पार्टी के हलके गोशा महल के उम्मीदवार प्रेम सिंह राठौर ने की पर्चा नामजदगी दाखिल। तकरीबन 500 से ज्यादा मोटर गाड़ियों पर निकाली गई रैली। इंदिरा गांधी के 101वीं यौम पैदाइश के मौके पर प्रकाशम हॉल में किया गया प्रोग्राम, जिसमें तुलबा और तालिबात के अलावा दीगर लोग भी हुए शामिल। और तेलंगाना से TRS पार्टी जानी चाहिए और BJP पार्टी आनी चाहिए, BJP लीडर किशन रेड्डी का इजहार ख्याल। अब खबरें तफसील से। 7 दिसंबर को होने वाले असेंबली इंतखाब की तैयारी करते हुए आज मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के कायदीन ने मिलकर आसिफ नगर डिवीजन, रेड हिल्स, चिंतल बस्ती, बाजार घाट, दरगाह गंज शहीदा और दीगर इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात। सबको बताइए, आप डालिए भाई साहब, खाला दुआ सलाम। ये आप तमाम 7 दिसंबर के दिन आपकी जवाब, आपकी आवाज और आपकी ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपने इत्तेहाद को और अपनी पार्टी को कामयाब करिए। ये एक नमक का कंकर है, हम अपनी एक आवाज है, इसको बचाइए और मजबूत करिए अपनी दुआओं से वोट। अस्सलाम वालेकुम। आज TRS पार्टी के हलके गोशामल डिवीजन उम्मीदवार प्रेम सिंह राठौर ने पर्चा नामजदगी दाखिल की और एक रैली निकाली गई, जिसमें 500 अफराद मोटर गाड़ियों पर सवार थे। इस रैली में शिरकत करने वालों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए TRS हुकूमत की सताइश की। नजमजा मार्केट क्लॉक टावर के पास आज प्रेम सिंह राठौर साहब का जो बाइक रैली जा रहा है, कम से कम 5 से 10 हजार आदमी तक के रैली में हिस्सा लिए हैं और यहाँ के मुस्लिम महिला लीडर्स भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं इनको। अभी लीडरों से बात करेंगे, लेडी लीडर्स है। आपका नाम निखत बेगम। अस्सलाम वालेकुम, मैं TRS पार्टी से बात कर रही हूँ। प्रेम सिंह राठौर साहब जा रहे हैं नॉमिनेशन के लिए, वो जीत के आएंगे और हम उनके साथ दिलो जान से काम करेंगे, मेहनत से हम उनका साथ देंगे, उनका साथ आगे बढ़ेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि उन्होंने आएंगे बराबर। बस ये फिर साल फिर MLA में उन्होंने ठहरेंगे। थैंक यू। हाईटेक टीवी के साथ कैमरामैन एजाज राजकुमार, रिपोर्टर रियाज भाई, TRS लीडर अभी कुछ बोलना चाह रहे हैं साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हम जो पूरे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, हमारे प्रेम सिंह राठौर साहब जो है नामिनेशन के लिए जाके आ रहे, नामिनेशन डालने आए, उनके साथ हम सब लोग जमा हुए हैं और इंशाल्लाह ताला हमारे प्रेम सिंह राठौर साहब जो है नामिनेशन डाल के आएंगे और MLA सीट के लिए ठहरेंगे और MLA के लिए जीतेंगे और हम सब जी भर के उनके साथ जो है जी तोड़ मेहनत करके उनको जिताएंगे इंशाल्लाह ताला। और हमारे MLA बनके हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। हमारे राठौर साहब के साथ हम जो है पूरे महिला जितने भी हैं यहाँ पे, महिला लीडर है और हम है और जितने माइनॉरिटीज़ है, हम बहुत खुश है कि हमारे राठौर साहब जो है MLA बनके हमारे साथ RSO है और हम उनके साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। नामिनेशन डाले बस है, उन्होंने जीत के आएंगे। रोजो गोशा महल TRS अभ्यर्थी प्रेम सिंह राठौर गाड़ी नामिनेशन उन्नदी। మేము జాంబాగ్ డివిజన్ నుంచి భారీ ఎత్తున బైక్ ర్యాలీ తీసుకెళ్తున్నాము. గోషా మహల్లో TRS గెలవడం
गोशा महल में टीआरएस की जीत तकी है, ये बात अपोजिशन वालों को मालूम है ऑलरेडी। जो अपने बीजेपी के जो गोशा महल अभ्यर्थी है, उन्हों काली धर्म का नाम लेके, राम का नाम लेके इलेक्शन में जा रहे हैं, डेवलपमेंट के तो कुछ भी नहीं है। और जो क्या कूटमी है, अटमैना कूटमी, हाँ महाकूटमी, जो महाकूटमी है उसका भी आज कुछ भी नहीं है। वो 4 साल कहीं अज्ञातवास में रहते हैं, इलेक्शन टाइम में गोशा महल में आके हम वो करते ये करते बोलते हैं। लेकिन जो प्रेम सिंह राठौर साहब जो टीआरएस के हमारे उम्मीदवार हैं, आज तक उन्होंने जितने गोशा महल के लिए डेवलप किए हैं अभी तक कोई एमएलए नहीं किया। और उसके बाद हमारे जो सदर है केसीआर साहब, जो जिनके स्कीम्स जितने अच्छे स्कीम्स है, जो पब्लिकली इतना अच्छा हो रहा है, ये 2018 एमएलए इलेक्शन में हमारा टीआरएस गवर्नमेंट 100% 100 सीट लाएगा और गोशा महल में टीआरएस 100% से जीतेगा। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। जय तेलंगाना। हाईटेक टीवी सब उनके बारे में बहुत अच्छा ही चल रहा है अब तक, तो नामिनेशन के लिए भी बहुत अभी तो निकल रहे हैं, वो सब अच्छी तैयारी हो रही है गोशा महल में। इफ्तिदा के लिए देखने के लिए लोग जो आए हुए हैं, इनसे ही मालूम होता है कि अपने राठौर साहब के लिए कितने लोग चाहने वाले हैं और उनके लिए सब आगे बढ़ने की कोशिश में हमारा भी यही ख्याल है। बहुत अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। जय तेलंगाना। बहुत अच्छा लगा हमें बहुत अच्छा लगा कि इतनी संख्या में लोग लोग आए यहाँ पर। बहुत हमारे प्रेम सिंह राठौर साहब को जो कामयाब बनाना है अपन को, बहुत अच्छी बात है जो इतनी संख्या में लोग आए, सो बहुत अच्छा लगा हमको। और हम ऐसे ही करके हम उनको जिताना है, हम उनको अच्छा एमएलए बनाएंगे इनको, हम हमारी दिल से वो है जीत के लाएंगे इनको हम। जय तेलंगाना। आज इंदिरा गांधी के 101वें यौमे पैदाइश के मौके पर प्रकाशम हॉल में नेशनल सॉलिडिटी कमेटी के सदर एस के अफजलुद्दीन की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें कई स्कूल्स के तुलबा और तालिबात और दिगर ने शिरकत की। एस के अफजलुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए इंदिरा गांधी के कारनामों को याद किया और उनकी तारीफ। बस में दमे पुस्तकु, घर में दमे पुस्तकु, बस में हो या घर पार के सोच समझ के साथ काम करनी है। जैसे शायर ने फरमाया, पहले तनिश ने बहुत सोच के उलझाया, पहले तनिश ने मुमकिन नहीं हालात की गति सुलझे, मुमकिन नहीं हालात की गति सुलझे, पहले तनिश में ना पहने तो 10 घरों में एक बुरी औरत को 1,000 रुपया देके समझता है कि वो तमाम मुसलमान को समझता है कि हमने 10,000 मुस्लिम वोट बने थे। मेरी प्यारी लड़कियों, मेरी प्यारी बहनों, सिर्फ 20 दिन में सोचो समझो कल इस कांग्रेस पार्टी की सुदृढ़ता को बचा के आदर जान साहब, हम आपको सिर्फ डॉक्टर समझते हैं, हमारे जो नई नस्ल को नजर कर रहे हैं, यकीन खाली हमारे यहाँ के लिए बहुत ही ध्यान में किया है। साथ में अब सीनियर कांग्रेस के कायम लीडर हैं, मैं उनसे डबल दरखास्त करता हूँ कि वो कंधर ऐसा होता है। श्रीधर आप आइए, श्रीधर नौजवान लीडर है, आइए। थैंक यू सो मच अभिनंदन। आज इंदिरा गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेशन में तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ मैं सबको। जैसे कि सब जानते हैं इंदिरा गांधी जी के बारे में, वो एक आयरन लेडी थी, ठीक है, औलाद में जिगर रखने वाले थे। किसी को गोली मारना औलाद का जिगर नहीं है, गोली खाने के लिए तैयार रहना वो औलाद का जिगर है। और वो हर चीज के लिए रेडी रहती थी, हर चीज का डर के सामना करने के लिए। एक औरत सिर्फ औरत नहीं होती, एक औरत के अंदर बहुत सारे रूप छुपे होते हैं। वो किसी की बेटी होती है, किसी की माँ होती है, किसी की बहन होती है, किसी की बीवी होती है, किसी की दोस्त होती है। तो एक औरत के अंदर इतने सारे रूप छुपे होते हैं, हर दर्द हर तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए। जिस तरह 200 साल अंग्रेजों की गिरफ्त में हरकश महल गांधी भवन में कौमी सालमत कमेटी के ज़ेर एहतमाम साबिक़ वज़ीर आज़म हिंदुस्तान श्रीमती इंदिरा गांधी की सियासी, समाजी, अदबी, तहजीबी, सकाफती खिदमात को ज़बरदस्त
خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پیش نظر آج پرکش شمال گاندھی بھون حیدرآباد میں تقریباً 1000 سے زائد طلبات، نوجوان اور طلبہ طالبات کے علاوہ مختلف مکاتب خیال، ماہرین دانشوران قوم شرکت کر کے آج شریمتی اندرا گاندھی کو زبردست خراج پیش کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ اندرا گاندھی جنہوں نے ملک کی سالمیت اور سیکولرزم سوشلزم کے استحکام کے لیے اپنی زندگی کی آخری سانس تک جدوجہد کی تھی، اور ہم اندرا گاندھی کے وہ 24 گھنٹے پہلے انہوں نے جو بھونیشور میں ایک جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہندوستان کے استحکام کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے میرے خون کا ایک ایک قطرہ بھی بہا تو میں جو اس کے لیے جو اپنی جان سوار کروں گی۔ اتفاق کی بات ہے کہ 1984 عیسوی کو بھونیشور میں اندرا گاندھی نے تقریر کی، اور 31 اکتوبر کو چند ان کے محافظین نے شریمتی اندرا گاندھی کو اپنی گولی کا نشانہ بنا۔ ان قاتلوں کو معلوم نہیں کہ ایسی ہستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہوتی ہیں۔ تو آج ہمارے اندرا گاندھی نے جو ملک اور قوم کی سالمیت کے لیے فرقے وارانہ ہم آہنگی کے کاس کو تقویت پہنچانے کے لیے انہوں نے جو پیام دیا ہے، یقیناً آج کی نئی نسل اس کی امر آوری کرنا ہمارا مقصد ہے۔ آج کا جو جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے، ہم ایک ہی میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ جو آئندہ جو ہے نئی نسل کے کاندھوں پر قوم کی ذمہ داری ہے سیکولرزم سوشلزم کے استحکام کو بخشنے کے لیے۔ نئی نسل، خاص کر تعلیم یافتہ جو نوجوان ہیں، خواتین ہیں، وہ اپنی زندگی کا نظم و نسق بنانا چاہیے، اور اسی میں جو ہے ہمارے ملک کی ترقی کارگر ہے۔ بی جے پی لیڈر کشن ریڈی نے ہمارے ہائی ٹیک نیوز سے بات کرتے ہوئے کے سی آر کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اسمبلی کی تحلیل وقت سے پہلے کیوں سنائی گئی۔ انہوں نے آگے کہا کہ عوام بھی تلنگانہ کے خلاف ہے، اسی لیے تلنگانہ سے ٹی آر ایس پارٹی جانی چاہیے اور بی جے پی پارٹی آنی چاہیے۔ کے سی آر سرکار جو اسمبلی چناؤ کے لیے جلدی بازی کر کے 9 مہینے پہلے چناؤ کا گھوشنا کیا ہے، اسمبلی رد کیا گیا، آج فرسٹ فیز الیکشن بھی ہو گیا، سیکنڈ فیز کل نامنیشن، آج آخری دن، آج کے بعد سیکنڈ فیز شروع ہونے والا ہے۔ اس بیچ میں یجنی کر رہے ہیں کے سی آر جی، یجنی کرتے ہیں لوک کلیان کے لیے، مگر کے سی آر نے ٹی آر ایس کے کلیان کے لیے یجنی کر رہے ہیں، کیونکہ فرسٹ فیز میں جو جدھر بھی جاؤ کے سی آر جی جنتا میں ان کے خلاف جنتا آکروش ہے، تلنگانہ سرکار کے وشے پر، تلنگانہ کے ایم ایل ایس کے اوپر، ٹی آر ایس کے ایم ایل ایس کے اوپر آکروش ہے، بہت خلاف گاؤں میں آنے نہیں دے رہے لوگوں کو، ٹی آر ایس کاریکرتوں کو آنے نہیں دے رہے، اس کے لیے کے سی آر نے بڑا پیمانے پہ یجنی کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یجنی کرنے سے لوگوں کا دل بدلتا نہیں، لوگ طے کیا گیا ہے ٹی آر ایس جانا چاہیے، بھارتیہ جنتا پارٹی آنا چاہیے، کیونکہ ٹی آر ایس گئے تو ہم آئیں گے بول کے کانگریس پارٹی دیکھ رہے، مگر تلنگانہ میں 119 ایم ایل اے سیٹس ہے تو وہ کانگریس کا گٹھ بندھن 130 سیٹس میں نامنیشن ڈالے ہیں، اس لیے یہ گٹھ بندھن کا چرچا ڈلہی میں ہو رہے، امراوتی میں ہو رہے، حیدرآباد میں نہیں ہو رہے۔ یہ گٹھ بندھن ٹکنے والے نہیں ہے، گٹھ بندھن سکسیس ہونے والے نہیں ہے، گٹھ بندھن آنے والے دن میں اور چلے جائے گا، اسی لیے تلنگانہ میں اگر استھر سرکار بنانا ہے، تلنگانہ میں ایک اچھے سرکار بنانا ہے، جن کا ہت بھی کام کرنے والے سرکار بنانا ہے، وہ صرف بھارتیہ جنتا پارٹی دوارا ہی بن سکتا ہے۔ ابھی تک جو استھتی ہے تلنگانہ میں، بھارتیہ جنتا پارٹی اچھی مضبوط ہو رہے، دن دن اچھے جنتا کا سمرتھن مل رہے، گاؤں میں پورے نوجوان بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہو رہے، اچھے آنے والے دن میں ایک اچھے سنکھیا سے ہم ایم ایل اے جیتیں گے، سرکار بنانے کے لیے پورا پریاس کریں گے۔ مجلس کے نامزد امیدوار کوثر محی الدین نے کاروان میں ایک میٹنگ منعقد کی، جس میں انہوں نے کہا کہ مجلس کے صدور و معتمدین کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے،
इन्होंने मुखालिफिन से कहा कि मजलिस के नुमाइंदों को डराने की कोशिश ना करें वरना अंजाम बुरा होगा और हर पार्टी अपने हिसाब से इंतखाबी मुहिम चलाए, किसी को परेशान ना करे। महलों में माँ बहनों को सबको जो है वो डालने की तरबीज है और सुबह के अवले साथ में अपने माँ बहनों का और इस्तेमाल कराइए। इंशाल्लाह मैं तमाम बुजुर्गों से नौजवानों से अपील करूँगा और जनाब फैसल मोहिद्दीन साहब से अपील करूँगा कि आप इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ है, पूरी फौज कार्रवाई के आपके साथ है, आप फिक्र मत करिए, इंशाल्लाह कामयाब आपकी है। आपके देश में रहते हैं, 5 साल में कॉर्पोरेशन किया, मुझे अंदाजा है सुबह 5 बजे अगर फोन बजता या 3 बजे अगर फोन बजता जो हैबत मेरे में रहती उसका आप लोगों को अंदाजा नहीं है। इस चीज से हमारे कारपोरेटर्स और MLA कैसे गुजरते हैं और इतना काम करते हैं, इतना काम करने के बाद बावजूद इसके आपको रिलेशन आता है तो गली। वक्फ बोर्ड साबिक चेयरमैन यूसुफ अली ने मीडिया से बात करते हुए TRS हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि TRS हर मुहाज पर नाकाम हो गई है और जो वादे किए गए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। KCR ने पिछले 4.5 साल में कोई काम नहीं किए है, वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए काम करते हैं जिसकी वजह से आने वाले इंतखाब में कांग्रेस बरसर इख्तदार आएगी। इन्होंने आगे कहा कि सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस की लहर है और मरकज में भी कांग्रेस ही बरसर इख्तदार आएगी। आज मैं सलीम साहब, शब्बीर साहब, रुद्ररा साहब के क़यादत में एक सेकुलर जहन रखने वाली कांग्रेस पार्टी में शिरकत कर रहा हूं। इंशाल्लाह ये 119 सीट में ये हुकूमत 12% रिजर्वेशन मुसलमानों के साथ, वैसी 12% रिजर्वेशन एसटीओं के साथ, जो दिल में जैसे जो वादा करके जो धोखा दी उसका सिला ये हुकूमत को आवाम देगी। इंशाल्लाह ये साइलेंट मूवमेंट है, इंशाल्लाह ये इलेक्शन में तकरीबन हर जात के भाइयों को जो जो वादे करे थे स्टूडेंट्स के साथ, आज एम्प्लॉइज़ के साथ जो वादे करे थे ये हुकूमत पूरे नहीं कर सकी। और एक आदमी के पीछे 50,000 रुपये का खर्चा लाकर, तो तकरीबन 2,00,000 करोड़ रुपये खर्चा लाकर इस फ़ायदा मंद जब तेलंगाना बना था, जब ये फ़ायदे में प्लस सरप्लस फाइनेंशियल स्टेट था, ये आज डिफिशिएंट स्टेट बनाए, इसमें कि ये हुकूमत अपने जाती कामा कर लेकर जो ये कर रही है आवाम जान रही, और पेंशन के बारे में इसके बारे में आज कांग्रेस का मैनिफेस्ट भी हर तरीके से वो TRS के मैनिफेस्ट से अच्छा है। और इस मुल्क में, हिंदुस्तान में आज कांग्रेस की लहर है, आज बीजेपी के साथ रहने वाले जमातों को हराने के लिए सेकुलर जहन के हिंदुस्तानिया पूरे तकरीबन अहद कर रहे कि मोदी के साथ की जमात को भी, जैसे TRS जो जमात है वो मोदी के साथ की जमात है, आज मुस्लिम भाइयों भी समझ रहे और सेकुलर जहन वाले भी समझ रहे। इंशाल्लाह
ये इलेक्शन में ज़रूर कांग्रेस इख्तदार पे आएंगी और टीआरएस जो बोल रही वो ज़रूर शिकस्त पाएगी। तरत है, खुशी है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में एक खुसूसी मकाम रखने वाले सेकुलर लीडर सैयद यूसुफ अली भाई साहब, जो साबिका में एमएलए भी रहे, गवर्नमेंट विप भी रहे, वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी रहे और नाके निज़ामबाद ज़हीराबाद एमपी को भी कॉन्टेस्ट किए तो बहुत कम वोटों से उन्होंने हारे, तो आज उन्होंने गांधी परिवार और उनकी खिदमत और जो मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ या फिर मुस्लिम के पर्सनल लॉ ट्रिपल तलाक का जो ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर केसीआर की खामोशी, भारतीय जनता पार्टी की आक्रम जिस तरीके से हमलावर हो रही है उसको रोकना है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी वाहिद है जो दस्तूर को रोक सकती है, दस्तूर के अंदर में जो दस्तूर है उसको कायम रख सकती है। इसके लिए सैयद यूसुफ अली साहब का कांग्रेस में आना कांग्रेस के लिए और हम सब के लिए बाएज़ मसरत है। उनके आने से कांग्रेस में एक नया जोश और वलवला और बहुत सारे लोगों में सेकुलर, देखिए यहाँ मुसलमानों से ज़्यादा हमारे हिंदू भाई भी आए हुए हैं, बांसवाड़ा के कॉन्टेस्टेड MLA यहाँ पर ठहरे हुए हैं, रुद्रराज हैं, सलीम साहब हैं, तो 2 MLA तो हमारे कैंडिडेट यहाँ आके ठहरे हुए हैं, बांसवाड़ा LRD कमा रेड्डी के 3 कैंडिडेट हैं यहाँ और ईसा मिस्त्री 4 है, गीता रेड्डी से 5 है, तो उनके शोहर भी आके हैं, यानी 5 कॉन्स्टिट्यूंसी के MLAs अभी जो मैदान में हैं सब यहाँ मौजूद हैं। तो इसका वाजह सबूत है कि यूसुफ भाई का जो आवाम से जो रब्त है, ताल्लुकात थे, उसके बुनियाद पे कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और कांग्रेस इंशाल्लाह हुकूमत बनाएगी और उसमें तो सेकुलर तमाम लोगों का हर एक का जो वादे कांग्रेस करी उसको पूरा करेगी। नाज़रीन खबरें और भी हैं, फिलहाल लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। हाईटेक फर्निशिंग वर्ल्ड वर्टिकल ब्लाइंड्स, वेनेशियन ब्लाइंड्स, रोलर ब्लाइंड्स, इंटीरियर ब्लाइंड्स, ऑफिस ब्लाइंड्स, ऑल काइंड्स ऑफ ब्लाइंड्स अवेलेबल हियर, सर्विस एट योर डोरस्टेप। Our address Mehdipatnam Road, Talagadda, Hyderabad. Please contact on this number 9700214737. दोस्तों, आज आप सभी के लिए है एक खुशखबरी। अब आप आपका मनपसंद चैनल हाईटेक टीवी देख सकते हैं HTS, RVR डिजिटल, चॉइस नेटवर्क पर। इसके अलावा आप हमारे न्यूज अपडेट्स और प्रोग्राम्स देख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर। लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग हाईटेक टीवी। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आज गांधी भवन में मीटिंग के दौरान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी निरंजन ने मीडिया से बात करते हुए शशिधर रेड्डी की तारीफ की और कहा कि सनत नगर हलके से उन्हें टिकट ना मिलने पर भी वो कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम करेंगे। इन्होंने आगे कहा कि दूसरे कारकुनान जो टिकट ना मिलने पर पार्टी छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन शशिधर रेड्डी ने ऐसा कुछ नहीं किया, जो बहुत अच्छी बात पर्सनालिटी है। न सिर्फ तेलंगाना में, सारे देश भर में उनका सर्विसेज को सभी लोग रिकग्नाइज करते हैं। उन्होंने जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन बने, सारा हिंदुस्तान में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का सर्विसेज सारा हिंदुस्तान में फैलाया गया। पहली बार लोगों को नहीं, एक ऐसा संस्था है बोल के लोगों के समझ में आया, मालूमात हुआ। आज उन्होंने 4 साल पहले रिजाइन करने के बाद में आज कहां पर भी देश भर में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक्टिविटीज दिखाया नहीं जा रहा। उसी ढंग से उन्होंने इससे पहले सोनिया गांधी ने उनको नक्सलाइट मूवमेंट के ऊपर एक ACC कमेटी डालकर एक चीफ मिनिस्टर्स को भी उसके अंदर कमेटी के अंदर मेंबर रखते हुए इनको वो कमेटी का चेयरमैन रखे। उन्होंने डिटेल्ड सर्वे करके एक रिपोर्ट भी सबमिट करें। वैसे शख्सियत को पहली बार हिंदुस्तान में
इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन कमिटी एएसी के तरफ से राहुल गांधी जी के सिग्नेचर से अपना प्रदेश कांग्रेस कमिटी में कायम किया गया, और ये इलेक्शन कमीशन के कोऑर्डिनेशन कमिटी कई इश्यूज के ऊपर, वोटर्स लिस्ट वो दूसरे इश्यूज के ऊपर इलेक्शन कमीशन को, यहाँ पर सीओ साहब को और हाईकोर्ट में भी नहीं, कई बातें उनके नज़र में लेके आए। इस बीच में दो दिन पहले जो डिस्पोज इलेक्शन वोटर्स लिस्ट का जो डिस्पोज करे, उसके अंदर भी जजेस साहब लोग मेंशन करे, जो शशिधर रेड्डी साहब का कंट्रीब्यूशन है, उनका जो सर्विस है वो काबिले मुबारकबाद है, बोल के उन्होंने नाम लेकर ने मेंशन करे। ऐसे शख्सियत को आज सनक नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये अलियंस के नाम से वो सीट को छोड़ने से आज उन्हें कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, उनके सर्विसेज को वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग अवेल नहीं करे, ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हुआ। उसके बावजूद भी उन्होंने उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के कांग्रेस वर्कर्स को सबको यही बता रहे, इससे पहले मैं जैसा आप लोगों का साथ रहा वैसा ही साथ रहूंगा और आप लोगों का खिदमत करूंगा। और काबिले तारीफ की बात इस बात की है, आज के माहौल में अगर कोई टिकट नहीं मिला नहीं तो नहीं एकदम मायूस होके घर में बैठते, नहीं तो पार्टी को धक्का देने की कोशिश करते, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहने की कोशिश करते, जीतने की कोशिश करते, मगर उन्होंने साफ साफ ये फैसला ले लिए कि नहीं मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं करतूँ, मैं पार्टी को नहीं छोड़तूँ, मैं सियासत को नहीं छोड़तूँ, और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स को जताने के वास्ते कांग्रेस पार्टी को फिर हुकूमत में लाए जैसा मैं पूरा कोशिश करेंगे बोल के उन्होंने जो बात करे वो बहुत ही काबिले तारीफ की बात है। और उन्होंने इससे पहले हमसे मिले जब उन्होंने बताए, मैं ज़रूर इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन कमिटी के चेयरमैन के नाते मेरे एक्टिविटी बराबर रहेंगे और जो भी इश्यूज़ रहेंगे वो इश्यूज़ को सामने लेके जाएंगे, और ये 21 तारीख के 12 बजे फिर गांधी भवन में इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का मीटिंग शशिधर रेड्डी साहब के सदारत में होने वाला है। आज इंदिरा गांधी के 101वीं यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट हनुमंत राव ने हमारे हाईटेक न्यूज से बात करते हुए इंदिरा गांधी की सताइश की और कहा कि इंदिरा गांधी एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखते हुए भी हमेशा गरीबों के हक में ही काम करती है। उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया। इंदिरा गांधी के जो काम के तरीके थे, इंदिरा गांधी बड़ा सरमाएदार के फैमिली में पैदा हुई, करोड़ों रुपए उनके पास थे, मगर अरे क्या कि जन्मदिन पर इंदिरा गांधी के ख्याल, इंदिरा गांधी के सोचने का तरीका, एक बड़ा फैमिली में सरमाएदार फैमिली में पैदा हुई मगर गरीबों के हित में काम करी। इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे गरीबी हटाओ के निनादे से और लैंड सीलिंग इम्प्लीमेंट करी, गरीबों को ज़मीना बांटी और खेती करने वालों को भी ज़मीना दी, ये सब करने के बाद आज सभी लोगों को, इसके अलावा भी गरीब लोग जो सरमाएदार जो पूंजीपति जो इंटरेस्ट लेके गरीबों से चूसते थे, उस वजह से इंदिरा गांधी बोली नहीं बैंक नेशनलाइज करना, गरीबों के घरों पे जाना, गरीबों के हित में बैंक भी काम करना। उस वक्त मोरारजी देसाई इस देश को गरीबों को देने का बैंक नेशनलाइज का खिलाफ थे, मगर इंदिरा गांधी जो दुर्गा माता थी वो दुर्गा माता का टाइटल देने वाला भूतपूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी, आज ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं टिकट बांटने में नौजवानों को, स्पेशली बैकवर्ड क्लास माइनॉरिटी को बांटने में जो वीकर सेक्शन है सबसे ज़्यादा तेलंगाना में 54% बीसी है, वैसी देश भर में 50% है। मैं चाहता हूँ उनका जो दादी काम करी वैसी राहुल गांधी भी वैसी काम करना, उनके वजह से 3-4 सीट बढ़ गए, नहीं तो पुन्नाला लक्ष्मण को मिलने वाला नहीं था, वो अलियंस में जा रहा था। वैसी मेरे एक गुजारिश है, पॉलिटिकल पार्टी में देश आज़ादी होकर 70 साल हुआ, एक नया काम मंडल कमीशन 27%, वो भी अपने क्रिमिनल एक्ट के वजह से हमको बराबर का फायदा नहीं पहुंच रहा। एटलीस्ट पॉलिटिकल डिसीजन लेना चाहिए, हमारा जो पॉपुलेशन है
उस लिहाज से हमारे भी सीटों का बंटवारा होना है, नहीं तो अपर क्लास वाले तो 10-15% है वही पूरे सीटा ले ले रहे। तो मैं चाहता हूं राहुल जी अपनी दादी के नक्शे कदम पर करके आने वाले दिनों में पॉलिटिकल रिजर्वेशन बीजेपी को इतने सीट देते हैं, इसको देख के दूसरे पार्टी जैसा सीपीएम है, सीपीआई है, बीजेपी है, मायावती है और अखिलेश है, ये सभी लोग सोचना शुरू करेंगे। तो मैं चाहता हूं राहुल जी एक नया दौर शुरू करो, बीसीओ के हित में आप सीट रिजर्वेशन की बात करेंगे। तो इसी वजह से आज मौका मिला इंदिरा गांधी का बर्थडे के वजह से, उनका वो जो इंदिरा गांधी दादी थी, तो ये नौजवान इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चल के आने वाले दिनों में पीसीओ को एक इतने सीट इतना 30% सीट हम देंगे, बोले तो ये देख के दूसरे पॉलिटिकल पार्टी भी देंगे। मैं ये चाहता हूँ फिर एक मरता इंदिरा गांधी के बर्थडे पर मुबारकबाद देते हुए, उनके नक्शे कदम पे हर नौजवान हर खातिन आगे चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलना। जीवन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि केसीआर ने उन्हें फिर से एक बार मौका दिया है हल्के कारवां से इलेक्शन में हिस्सा लेने का, तो वो आवाम की खिदमत जरूर करेंगे। उन्होंने टीआरएस पार्टी की सताइश करते हुए दूसरी सियासी जमातों पर तनकीद की। कारवां हल्के कारवां से फिर एक बार मेरे को केसीआर साहब यहाँ से कॉन्टेस्ट करने का मौका दिया, रियासत तेलंगाना के टीआरएस पार्टी के सदर और वज़ीर आला, और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ मैं उनका, फिर एक बार कारवां में कॉन्टेस्ट करने का मौका दिए। कारवां कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग बदलाव चाह रहे, मैं समझता हूँ इस वक्त लोगों को ज़रूरत है कि सिर्फ तरक्की और डेवलपमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि जो फिरका परस्त पार्टियाँ इससे पहले थे, फिरका परस्ती को दूर करना चाह रही पब्लिक। टीआरएस पार्टी एक ऐसी जमात है, टीआरएस पार्टी एक ऐसी पार्टी है गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखते हुए हुकूमत खासकर पिछड़े और अखिलतियों के लिए बहुत सारे काम करे, हम वही मुद्दे को लेके अवाम में जा रहे हैं। अवाम में जहाँ पे भी गए तो केसीआर साहब के बारे में अच्छा माहौल है, हम जहाँ पे भी जा रहे हैं तो इस वक्त कारवां कॉन्स्टिट्यूंसी में बदलाव चाह रहे हैं। हम इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आने वाले इलेक्शन में हमारी जीत होंगी, हमारा और मजलिस पार्टी से मुकाबला है। मजलिस पार्टी से टीआरएस का कैंडिडेट अभी आके नॉमिनेशन करके गया है और वो आज़ाद लड़ रहा है यहाँ से? नहीं लड़ते, कोई भी नहीं लड़ते, एजिटेशन में थे, थोड़े लोगों को तकलीफ है, हमारा हाईकमांड देख लेते, हाईकमांड समझा लेते, बहुत सारी जगह ऐसा है, कारवां में नहीं, दो चार जगह है, वो हाईकमांड देख लेते। बीजेपी का क्या रद्दअमल है, जैसे आप बोल रहे हैं एमआईएम से आपका डायरेक्ट मुकाबला? बीजेपी का कैडर नहीं है, सिर्फ लीडर है, कैडर जहाँ पे नहीं है वो पार्टी का कुछ भी उसका मुकाम पे। अभी आपको क्या उस पर अपने क्या बोलते ये करेंगे, किस तरह से आप रनवे बनाएंगे और कैसे? 4.5 साल से मैं अवाम में हूँ, जब से हारा उसके दूसरे दिन से अवाम में हूँ, अवाम के तकलीफ़ों में मैं शामिल रहा, उन लोगों के साथ हिस्सा लिया, कहीं पे भी अगर उन लोग तकलीफ़ है या रोड हो, ड्रेनेज हो, पानी का हो, कहीं किसी भी तरीके की तकलीफ हुई तो मैं अवाम में था, इसलिए मेरे को कोई मुश्किल नहीं हो रही। कहीं भी जा रहा तो मैं अगर कहीं वोट मांगने के लिए जा रहा हूँ तो खुश हो रही पब्लिक, लेकिन कोई आज तक नहीं पूछे कि आप क्यों आए। अवाम का नुमाइंदा अवाम के बीच में है, बीच में हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। टीआरएस पार्टी केसीआर साहब का हुकुम है, केसीआर साहब के नक्शे कदम में चल रहा हूँ, तरक्की सिर्फ हमारा एम है, बस तरक्की करना। थैंक यू सर। आज कारवां हलके से बीएसपी उम्मीदवार सैयद रहीमुद्दीन ने पर्चा नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर रहीमुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। चीज से कॉर्पोरेटर इलेक्शन लड़ चुका हूँ मैं, मेरे साथ सैयद रहीमुद्दीन साहब कारवां कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए को खड़े हुए हैं, और मैं जो जिम्मेदारी लेता हूँ कि साहब को हमारे बीएसपी पार्टी से बरोबर जिता के लाऊंगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज जो नॉमिनेशन फाइल किया गया है और सुबह जो काम कंप्लीट हुआ, सुबह से जो अब तक के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि काम मुकम्मल हो गया है। अभी हम जो है आरओ ऑफिस से बाहर आके जो है बात कर रहे हैं कि हम जो है हमारी कौम के लिए और हमारी कौम की तरक्की के लिए और हमारी कौम के बीच में जाके काम करने के लिए जो है हम जो है ये हमारे दिल के अंदर ये जज्बा रख के जो है हम यहाँ पर फाइल करे हैं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला साथ देंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है हम जीतेंगे, तो हम कौम के बीच में जाके जो है उनके पूरी तकालीफ़ को पूरे दूर करेंगे और हर चीज़ के जो है प्रॉब्लम्स है तो सॉल्व करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सारे चीज़ों के प्रॉब्लम हैं और काफ़ी लोग परेशान हैं,
और काफ़ी लोग जो है दिनों से जीत रहे हैं लेकिन कोई उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं है। इंशाल्लाह ताला जो है अगर हमारी कामयाबी होंगी तो हम वाकई जो है आवाम से वायदा कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि उनको कि बिल्कुल हमको लाइए, इंशाल्लाह ताला हम वाकई जो है हर घर फिर के जो है हम काम करके जो है अपडेट करके देंगे इंशाल्लाह ताला। और हमारे साथ अगर हमारी आवाम साथ देंगी तो इंशाल्लाह ताला हम आखिर दम तक के जो है काम करेंगे और काम करके जो है सक्सेसफुल करेंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के। ये काफ़ी पुरानी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और यहाँ पर जो है बनते बनते जो कैडर अभी जो उभर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना के अंदर अच्छी पहचान हो गई है और इस सिंबल की पहचान हो गई है और जितने आउट ऑफ इलेक्शंस भी चल रहे हैं काफ़ी इनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल कि इंशाल्लाह ताला यहाँ पर भी तेलंगाना के अंदर बगैर सपोर्ट के जो है गवर्नमेंट नहीं बन सकेंगी इंशाल्लाह ताला, हमारा यही ओपिनियन है। और काफ़ी मजबूती से जो है काम चल रहा है बहुजन समाज पार्टी का, ग्राउंड लेवल से काम चल रहा है इंशाल्लाह ताला और आगे बढ़कर भी जो है हम काम करेंगे इंशाल्लाह। मुकाबला जो भी रहेगा अपोजिशन पार्टी से रहेगा। आप किसको अपना अपोजिशन मान रहे हैं? हमारा अपोजिशन तो जो हर अरसे से जो जीत के आ रहा है यहाँ पर उसी को हम जो है अपोजिशन मानेंगे। हम बरहाल अलायंस है, बरहाल हमारा अलायंस अभी जो है डिक्लेयर नहीं किए हैं, बरहाल हमारा अलायंस है इंशाल्लाह ताला। आज झिर्रा रोड पर बरकत फर्नीचर का शानदार इफ्तिता अमल में आया जिसमें मेहमानी खसूसी की हैसियत से मजलिस के नामपल्ली उम्मीदवार जाफर हुसैन महराज और माजिद हुसैन और दिगर ने शिरकत की। इस फर्नीचर के मालिक इम्तियाज अफसर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। आज झिर्रा आसिफ नगर रोड पर आज मेरे शोरूम का इफ्तिताह किया गया है और मेरे वालिद साहब मोहतरम के हाथों इनॉग्रेशन किया गया है और मेरे पास मैरिट सेट्स बनता है, बेड बनते हैं, डाइनिंग सेट, सोफ़ा सेट मिलता अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह के फजल व करम से ये काम अंजाम दिया गया है और इंशाल्लाह काम जो है अच्छा होएगा, बेहतर होएगा। थोड़ा अपन जो है अच्छा रिपीट करे थे वहाँ पे डायरेक्ट से स्टार्ट है आपका, शुरू से करना है स्टार्ट। 30,000 रुपये से मैरिज सेट स्टार्ट है और बेड जो है 9,000 से स्टार्ट है, 6 फीट का जो है 12,000 से स्टार्ट है, कम से कम दाम में है, वाजबी दाम में है। इंशाल्लाह आप आइए, फ़ायदा उठाइए और क्वालिटी भी इंशाल्लाह अच्छी मेंटेन की जा रही है। आप लोगों को एक खुद लिए तो भरोसा आएगा इंशाल्लाह। कितने साल से कर रहे हैं आप ये मेरा ये बिज़नेस जो है? 1 साल से है। दूसरे बिज़नेस है जिसमें हमारे चाचा है, हम हैं, वो 10-12 साल से कुछ चल रहे हैं। जनरल स्टोर है, थोड़ा कॉन्फेक्शनरी का है। यहाँ पर बनता है फर्नीचर आपका? ये फर्नीचर मेरे ऊपर ही बनता है, शोरूम के ऊपर बनता है, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, अच्छा करते हैं इंशाल्लाह। गरीब लोगों के वास्ते क्या है आपका? गरीब लोगों से कम दाम में 30,000 में देंगे, अच्छी क्वालिटी देंगे, मार्केट में जो मिल रही है आजकल उससे बेहतर बना के देंगे, थोड़ा रेट में ज़्यादा है इंशाल्लाह, अच्छे से अच्छा मटेरियल देंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम MIM पार्टी लोगों का और अल्हम्दुलिल्लाह जाफ़र हुसैन मेरा साहब आए हुए हैं और माजिद हुसैन साहब आए हुए हैं और मोइन कॉपरेटर मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब आए हुए हैं और जनाब मोहम्मद साहब जाफ़र, जनाब मोहम्मद साहब जमशीद साहब, अतीक साहब, खदीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आए, बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी पार्टी को कामयाब करे।
सरकार से नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि टीआरएस ने उनके साथ नाइंसाफी की है। वो कई सालों से पार्टी की खिदमत कर रहे हैं मगर इनको टिकट ना देकर जीवन सिंह को टिकट दिया गया जो कई मुकदमात में मुलविस हैं। इन्होंने पार्टी से सवाल किया है कि पार्टी का टिकट लेने के लिए केसों में मुलविस होना क्या लाजमी है। इन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है इसीलिए उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी से बगावत करते हुए आजाद उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा नामजदगी दाखिल की। आज मैं कारवान सिंह से रिबल में फोड़ यहाँ से डाला। मैं 2001 से टीआरएस पार्टी में हूँ। ये जमात में अब तक मैं पूरे डिवीजनों में 7 डिवीजनों में सब कैंडिडेटों को तैयार करके इलेक्शन में लड़ा के सीना दिला के पोषण दिला, लेकिन आज मेरे को ये पार्टी अब तक टिकट नहीं दी। उसलिए क्यों नहीं दिए मेरे बोल के मैं पार्टी के ऊपर मैं आज नामिनेशन डाला, मैं रिबर डाला टीआरएस पार्टी से। इंशाल्लाह आप भगवान पार्टी बुला के बात करके कैसे भी तुम्हारे MLC नहीं तो तुम्हारे लोगों को चेयरमैन नहीं तो नेक्स्ट कारपोरेट देते सीनियर पार्टी को दे तुम बोल के पार्टी जबान दिया तो मैं विड्रा कर लेता हूँ, नहीं तो मैं ऐसी इंशाल्लाह ऐसी मैं नामिनेशन डालता हूँ। मेरा हमारा कैरेक्टर कितना क्या है वही इलेक्शन में वोट द्वारा मैं तो मेरा पार्टी को बताता हूँ। हाँ भाई, आप इतने हार्डली वर्कर रहने की वजह से आपको क्यों ना दिए वही पूछना चाह रहा हूँ। रेबल डाला वही मतलब भाई मैं सीनियर हूँ, एक केस नहीं है, फिर दिवस वाले को कितने केस है एक बार रेशन करने दो। किसको दिया मतलब अभी टीआरएस से 13 में पार्टी में जीवन सिंह को दिया टिकट। तो हम बोल रहे हैं 2001 से हम उनको लेके आए सबको लेके, हमारे क्यों नहीं दिया, हमारे पास क्या है, हमारे पास कैसा नहीं है, कैसा रहे तो देते क्या पार्टी, हम नील है कैसा रहे सोलग दिए वही सोच रहे हैं। अभी भी सोच लेके पार्टी बी फॉर्म देंगे बोल के सोच। आपका डिमांड अगर पूरा हो गया तो फिर आप विड्रॉ कर। हाँ विड्रॉ कर, मेरे साथ 60-70 लोग पार्टी को कुछ पोस्टों में उनको भर्ती करो तो इन फ्यूचर में कैसा भी विड्रॉ कर लेता हूँ। आखिर में एक बार फिर सुर्खियां। आने वाले इंतखाब को लेकर मजलिस के सदर बैरिस्टर रसदुद्दीन ओवैसी और दीगर ने मिलकर आसिफ नगर और दीगर इलाकों का किया पैदल दौरा। टीआरएस पार्टी के हलके गोशा महल के उम्मीदवार प्रेम सिंह राठौर ने की पर्चा नामजदगी दाखिल। तकरीबन 500 से ज्यादा मोटर गाड़ियों पर निकाली गई रैली। इंदिरा गांधी के 101वीं यौम पैदाइश के मौके पर प्रकाशम हॉल में किया गया प्रोग्राम जिसमें तुलबा और तालिबात के अलावा दीगर लोग भी हुए शामिल। और तेलंगाना से टीआरएस पार्टी जानी चाहिए और बीजेपी पार्टी आनी चाहिए, बीजेपी लीडर किशन रेड्डी का इजहार ख्याल। हाईटेक न्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए हाईटेक टीवी। अल्लाह। दोस्तों आज आप सभी के लिए है एक खुशखबरी, अब आप आपका मनपसंद चैनल हाईटेक टीवी देख सकते हैं HTS, RVR डिजिटल, चॉइस नेटवर्क पर। इसके अलावा आप हमारे न्यूज अपडेट्स और प्रोग्राम्स देख सकते हैं Facebook और YouTube पर। लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग हाईटेक टीवी।